अभी जस्ट एक न्यूज़ आई है कि वाकई मॉर्निंग में और इवनिंग में नेहा का NST टेस्ट हुआ था। हाँ, अभी डॉक्टर से बात हुई है। नेहा का मॉर्निंग में और इवनिंग में NST हुआ था, जो कि प्रॉपर नहीं आया है। तो डॉक्टर को लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि सही क्यों नहीं आ रहा है। मे बी समथिंग रॉन्ग हो रहा है, लाइक मे बी इन्हें पॉटली कर दी है या कुछ तो है अनवेल। तो डॉक्टर ने बोला है कि एक और NST करते हैं। अरे वो भी नहीं सही आता है तो देन वी विल गो फॉर एमरजेंसी सी सेक्शन। तो अभी वही हम लोग टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि अभी तो था कि ट्यूसडे मॉर्निंग में हम लोग जाएंगे एज अ प्लान बे में, बट सडनली सब कुछ चेंज हो गया है। हमको शायद एमरजेंसी में सी सेक्शन करना पड़ सकता है। अब वही है कि टेंशन है, नेहा भी वरीड है कि क्या हुआ क्या नहीं होगा। वरीड सेंस में कि बेबी को क्या हो गया है। मेन तो बेबी से रिलेटेड ही है। वो भी परेशान है खांसी को लेकर, लेकिन फिलहाल तो मेन टेंशन है बेबी के की हेल्थ कंडीशन को लेके है। नेहा का स्टार्ट हो गया है, अभी टिप लगाई है 1 आवर के लिए। उसके बाद NST होगा। उस NST के रिजल्ट के बाद डॉक्टर डिसाइड करेंगे क्या करना है। अभी खाने पीने के लिए सब हाँ, मना कर अभी दिया, खाने पीना पीने के लिए मना कर दिया गया है कि कुछ खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं नहीं, है, क्योंकि बैठो, गैप होना चाहिए ऑपरेशन से पहले, जो क्योंकि बोलते वह हैं। डाइट का रखता है ठीक ना, है, इससे पूरा तो आई होप भगवान करे आपका NST ठीक आ जाए। जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी हम सब टेंशन में है, नेहा तो बड़ा टेंशन में है। बस क्या करें, सडनली चेंज हो गया टाइम। सही लगा है, पानी भी बनना है ना अभी। मैंने किस्मत खराब निकली है, 2 बार नीडल लगाई लेकिन दोनों बार गलत जगह लग गई और ब्लड पता नहीं नहीं मेरे निकला। साथ ही ऐसे ही क्यों होता है हमेशा। अभी वापस ट्राई करेंगे आफ्टर 5 मिनट्स। खून भी सूख गया है नेहा का, टेंशन के मारे। तो देखो ना यार, कैसे पोक कर रहे यार, बिल्कुल ही शरीर तो है यार, परेशान हो गई हूँ मैं। क्या करें अब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं उतनी आ भी गई। हाँ जा रही है उसमें। हाँ बस निकल। हाँ बस वो आ रहे हैं रास्ते में। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बाय बोलो। नेहा जान, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग के दुआ से और भगवान की कृपा से और बड़ों के आशीर्वाद से फाइनली हमारे यहाँ बेबीज हो गया है। और काफ़ी प्रॉब्लम सहनी पड़ी नेहा को। सबको मालूम है कि नेहा को लास्ट 1 वीक से काफ़ी कफ चल रहा था। तो कल इवनिंग में डॉक्टर ने डिसीजन लिया कि इमरजेंसी में हम लोग सी सेक्शन करते हैं, बिकॉज कि रिस्क था कि बेबी कहीं पॉटी ना कर दे, और उसको खा ना ले। तो इसके इसको अवॉइड करने के लिए डॉक्टर ने इमरजेंसी में सी सेक्शन किया। अराउंड 10:30 के आसपास सी सेक्शन हुआ। और
प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए नेहा की डॉक्टर ने और टीम्स ने फैसला किया कि नेहा को 2 आवर्स के लिए रिकवरी रूम में रखेंगे। सो फाइनली नेहा को रिकवरी रूम में रखा और मॉनिटर किया, तो भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक रहा है अभी तक। वैसे बेबी ने पॉटी कर दी थी, ओके, बट डॉक्टर ने अच्छी तरह मैनेज किया और जो रिस्क था वो नहीं हुआ, मीन्स वो हल्का सा कंज्यूम किया था बेबी ने, पर डॉक्टर ने उसको फ्लश आउट कर दिया। तो कल का काफ़ी टेंस इवनिंग था हमारे लिए, सबके लिए, क्योंकि कुछ पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना रिस्क है, ओके, और क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। तो लाइक पोस्ट सर्जरी के बाद से लास्ट टाइम नेहा के साथ हुआ था, ओके, बट अभी तक हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और नर्स भी मॉनिटर कर रही हैं, डॉक्टर भी मॉनिटर कर रहे हैं। बेस्ट पार्ट ये रहा कि डॉक्टर का जो डिसीजन था ना वो एकदम राइट रहा, क्योंकि लास्ट कल डॉक्टर ने 3 एनएसटी करवाए थे और तीनों एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आए बोलो, थे। तो डॉक्टर को लगा कहीं ना कुछ तो बेबी गड़बड़ है, ओके। तो लास्ट एनएसटी जो इवनिंग में हुआ था उसके बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग अभी रुकते नहीं हैं, हम लोग अभी इमरजेंसी में सी सेक्शन के लिए जाएंगे। तो फिर जो जो डिसीजन था वो सही रहा, ओके। तो बेबी ने पू कर चुका था बट ज़्यादा कंज्यूम नहीं किया, ये अच्छा रहा, और ग्रेसफुली सब कुछ ठीक ठाक हो गया। आपको अब मैं आपको नेहा से को से मिलवाता हूँ, ओके। थोड़ी वो डाउन तो है क्योंकि कफ भी है, अभी कफ सेटल नहीं हुआ है, और प्लस स्टिचेस का पेन भी है क्योंकि एनेस्थीसिया का जो इफेक्ट था वो ख़त्म हो गया है, हाँ, ओके। तो अभी मूवमेंट करने पे पेन हो रहा है, तो अभी बात कीजिए नेहा से। बोलो, हाय। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच आप लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए और भगवान जी की कृपा के लिए कि बेबी यहाँ पे है। ये देखो बेबी, 2 बेबी हैं, छोटा बेबी बड़ा बेबी। थैंक छोटा बेबी बड़ा बेबी, बेबी का हम यू जल्दी वेरी मच। आपको फेस दिखाएंगे क्योंकि इतनी टेंशन हो गई थी कि बहुत सारी जो होती है ना मन्नत वन्नत वो मांग ली थी नहीं, मत भगवान जी बोलो से। ना, मुझे बैठ बस आप जाओ। लोगों की ब्लेसिंग्स हो, भगवान की कृपा से ये है कि बेबी को मेरा कफ भी अब हैवी डोज दे के सेटल डाउन कर लेंगे, आप स्क्वायर दे देंगे, हाँ, स्टेरॉइड दे स्क्वायर देंगे, क्योंकि दे पा रहे बस थे। भगवान जी की ही कृपा थी कि डॉक्टर्स ने क्विक डिसीजन लिया, उन्होंने वेट नहीं किया। और बेबीज देखो बेबीज, और जैसे भी होगा आप लोगों को आगे का सब अपडेट करते रहेंगे क्योंकि आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा हो, आप भी कंसर्न हो मेरे और आपके बेबी के लिए क्योंकि हम सबका ही बेबी है। तो अभी मुझसे बात नहीं हो पा रही है, अभी मुझे बोला है सिप सिप वाटर पीने के लिए, सिप सिप वाटर पीने के लिए क्योंकि इमरजेंसी सी सेक्शन था ना, तो मैंने शाम को 5 बजे 5:30 बजे चाय पिया था, तो वो बार बार इसी चीज़ के लिए कंसर्न थे। और भी बहुत सारी चीज़ें ओटी में हुई, वो मैं आपके साथ बाद में बताऊंगी, कैसे मेरी हार्ट बीट शूट अप कर गई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तसल्ली से आपको मैं ना बताऊंगी। भूख लगेगी उसको, हाँ बुलाना पड़ेगा उनको, दोनों हाँ बुलाना पड़ेगा। को काले पानी पी लो, हाँ लो।